49 और रसगुल्ला समस्याएं आए तो झेल लेना, ठीक है? बस हारना मत, जिंदगी खेलती उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, और तुम सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो। आइए देखिएगा, हाल ही में 49G7 शिखर सम्मेलन जो है 2023 कहां पर आयोजित हुआ, लिखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, लिखना कतई जहर। दोस्तों कतई जहर प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में 49 नंबर का G7 जो शिखर सम्मेलन है 2023 में कहां दोस्तों आयोजित हुआ है। अभी रसगुल्ला हाल ही में G7 जो सम्मेलन है इसकी दोस्तों बैठक होती है। G7 की स्थापना 1975 कब होती है, 1975 में स्थापना होती है। एक्चुअली में दोस्तों इसमें पहले रूस शामिल हो गया था, तब ये G8 कहलाया, अब रूस वापस बाहर हो गया है तो वापस से G7 हो गया। यहां दोस्तों लिख लीजिएगा G8 जो था दोस्तों, आपके G8 जो था इसमें दोस्तों स्थापना आपके, इसमें से रूस को बाहर कर दिया तो ये G7 बन गया है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे अरे कौन कौन से देश में तो स्थापना, तब ये G8 कहलाया, अब रूस वापस बाहर हो गया है, इसमें कहां दोस्तों आयोजित हुआ है। अभी रसगुल्ला हाल ही में G7 जो सम्मेलन है इसकी दोस्तों बैठक होती है। G7 की स्थापना 1975 कब होती है, 1975 में स्थापना होती है। एक्चुअली में दोस्तों इसमें पहले रूस शामिल हो गया था, तब ये G8 कहलाया, अब रूस वापस बाहर हो गया है तो वापस से G7 हो गया। यहां दोस्तों लिख लीजिएगा G8 जो था दोस्तों, आपके G8 जो था इसमें दोस्तों स्थापना आपके, इसमें से रूस को बाहर कर दिया तो G7 बन गया है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे अरे कौन कौन से देश शामिल है, अरे गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, भाई साहब लिखिएगा गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ये G7 होता है, ठीक है? गर्लफ्रेंड दोस्तों मतलब क्या होगा, G4 दोस्तों छापना आपके, G4 हो गया जर्मनी, क्या हो गया G4 रसगुल्ला जर्मनी हो गया, F4 छापना दोस्तों, F4 हो गया फ्रांस, क्या हो गया फ्रांस हो गया, J4 रसगुल्ला छापना, J4 हो गया जापान, क्या हो गया दोस्तों J4 जापान हो गया। अगर दोस्तों पूछूं आपसे U4 दोस्तों लिखना आपके, U4 UK हो गया है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों छापना U4 USA, दोस्तों क्या U4 USA हो गया है। I4 दोस्तों आपका I4 इटली हो चुका है, C4 दोस्तों छापना आपके, C4 कनाडा हो चुका है, और E4 दोस्तों आपके, E4 इंग्लैंड या फिर UK हो चुका है। ये सात देश इसके अंदर शामिल है, ठीक है? अगर पूछूं आपसे क्या इसमें भारत शामिल है, तो भारत इसमें शामिल नहीं, ठीक है? छापना दोस्तों आपके, भारत इसमें शामिल नहीं है, भारत इसका मेंबर नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर पूछूं आपसे अभी हाल ही में इसकी जो 49 बैठक है वो कहां पर होती है, छापना ये 49 जो बैठक है इसकी वो हिरोशिमा के अंदर होती है, और हिरोशिमा दोस्तों कहां पर है, ये जापान के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अभी दोस्तों हाल ही में इसकी 49 जो बैठक है वो हिरोशिमा में होती है, और जापान दोस्तों यहां पर स्थित है। 19 से 21 मई के बीच में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है? अगर रसगुल्ला पूछो क्या भारत शामिल है, तो भारत दोस्तों G7 में शामिल तो नहीं है, पर भारत ने इस बैठक में भाग जरूर लिया। छापना दोस्तों भारत की तरफ से, भारत की तरफ से छापना आपके, प्रधानमंत्री साहब जो हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कौन इसकी अध्यक्षता, छापना फूमियो किसी को छापिए, फूमियो किसी को है जो कि जापान के प्रधानमंत्री हैं, जो कि दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री हैं, ये इसका दोस्तों क्या कर रहे हैं, ये इसका होस्ट है, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछो इसकी 49 जो बैठक है उसमें दोस्तों क्या शामिल हुआ है, लिखना 10 सूत्री आह्वान, दोस्तों लिखिएगा 10 सूत्री आह्वान जो है वो इसमें शामिल दोस्तों किया गया है, इस पर फाइनल किया गया है, ये भी आपको नोट करना है। कुल मिलाकर दोस्तों आपके 10 काम करेंगे हम अगले साल तक, ऐसा इन्होंने डिसीजन लिया है, जिसमें क्या आपके फूड सिक्योरिटी हम लेकर आएंगे, जलवायु परिवर्तन दोस्तों हम रोकेंगे, इसके अलावा क्या दोस्तों आपके बाजरा का उपयोग हम बढ़ाएंगे, फर्टिलाइजर दोस्तों आपके उसका उपयोग बढ़ाएंगे, हेल्थ को अच्छी करेंगे, ऐसे रसगुल्ला दोस्तों आपके ऐसे 10 काम जो है करने वाले हैं, उसी को नाम दे देगा आपके, उसी को नाम दिया है 10 सूत्री आह्वान। तो परीक्षा में कभी पूछ लेना आपसे कि 10 सूत्री आह्वान जो है, 10 सूत्री आह्वान अभी हाल ही में किस सम्मेलन में आया है, जी सर।